नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बलवंत सिंह जी हैं जो सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं। जानते हैं इनसे इनके क्या मानना है, डेरा सच्चा सौदा संस्था का क्या योगदान रहा है समाज के लिए, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किए। नमस्कार, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सर, आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था ने समाज के लिए क्या काम किए हैं? सानू तो ये बहुत वधिया लगता है कि जेड़ा कि सानू किन्ने थां तो असी नशे छड्ड नहीं सकदे सीगे, ते असी इहदे राह लग के असी जो दारू का यदा टेंटा वढ़िया नशा छड़िया, पोस्ट भी ये छड़ाउंदे है किते डाक्टरां तो महीनों लई दवाइया देंदे है, तो वह उन्हां तो नशा नहीं छुट सकता गा। इन्होंने हफ्ते तिकर भी 15 दिन तिकर इन्होंने जो भी नशे छड़ाए है, पोस्ट का भी छड़ाया, शराब का भी छड़ाया। तुसी आप देखे ये चीज़ नशा छुड़वाते हुए? हाँ जी हाँ जी, असं आप ही असं लेके भी आए हैं, तो उस 8 दिनों भी मोहलत भी देंगे भी इन्ने दिनों असं नशा छड़ा देंगे। कि छड़ाते हैं जी, वो सिमरन कराते जो परमात्मा के जो वो लड़ लगे हैं तो सानू दसदा सिक्ख्या दिंदा, धियां ऐ बोलना, भैणों ऐ बोलना, भरावों ऐ बोलना, किन्ने भी स्वागत करना जो भी असं हर एक धर्म में मानते हैं। पर यह गलत है भी जो अगला कहें भी वो इस धर्म में मानते वो इस धर्म में मानता, पर नहीं, सारे धर्म ही उसनू तो एक है। जो सानू हुण सिक्ख्या दी है बहुत सोहनी सिक्ख्या दी है, किसी नूं मानता नहीं, पर ठीक है भी लोगों के चित च हैगा भी ये उस धर्म नूं मानदे आ जां कोई वैण लाउंदा, पर असीं नहीं आंदे, वो परमात्मा ते वैण लाउंदे आ, जो कोई वैण लाउंदा वो मालक ते किवें वैण लाउंदा। किस धर्म नूं मानदे डेरा सच्चा सौदा? अभी तो डेरा सच्चा सौदा नूं मानदे आ भी जो भी सानू ये सिक्ख्या दिंदा ते किसी ते गलत नहीं चलते गए, जो भी धर्मां नूं अगला कहिंदा भी इहने ऐं कीता ऐं कीता, पर असीं नहीं आंदे, जो अज तां इहनूं खुद परमात्मा मानदे आ, जिससे भी असीं जाणदे आ साडा काम हुंदा, कोई इन्होंने रुकावट नहीं करी साढ़े काम की, असी वो तो वे काम आते हैं। कुछ डेरा सच्चा सौदा बारे च मीडिया च दिखाया जा रहा है 4 साल पहला, वो तो जी वो गलत विखाई जाते, हम उन्होंने तो 100 करोड़ आ हूँ भी चली जाता कि वो जो गप चलते है कि गप मारूंगा, हम मैं कहूँगा भी कह दूंगा मैं मेरी जेब कुछ ना कुछ दस दूंगा, जो परमात्मा झूठे करी जाता तो पर हरेक न कर दूसरा। सर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप तो जी ये जो धर्मां की गल है ना, जब तकड़ा बंदा है तकड़ा माड़े नूं दबाउंदा, जो सरकारां तकड़ियां हुण माड़े नूं दापे दबाउणगियां, पैसे दे ना ला दे, पैसा मैनूं दे दूगा 1 करोड़ दा, मैं कह दूंगा भी हाँ डेरा माड़ा है, पर नहीं वो डेरा का परमात्मा तो दसूंगा ना भी जे मैं 1 लाख रुपया लैके बदनाम करूंगा। 4 साल हो गया संत जी समाज च नहीं है, हुण की प्रभाव पै रहा समाज से? समाज ते तो जी देखो गवर्नमेंट सरकार पाई जाने पर प्रेमियां नाल कोई प्रभाव नहीं, अभी ताने भी जो मालक ने करना अभी तो उस दे मगरी हैं, सरकार कुछ भी आखी जाए। जरूरत है संत जी की समाज में? हाँ जी, सानू तो जरूरत है, समाज में सारी संगत में जरूरत है, किसी का माड़ा नहीं किया इन्होंने। क्यों जरूरत है? जरूरत आती आपके बच्चों पर हाथ रखना या सिर ते साड़ियां शराब ये नहीं, हर एक नशे रहित करते हैं। की मांग करोगे तुसी सरकार तो संत जी दी? अभी तो मांग ये करते हैं भी इन्हों रिहाई करना चाहिए संतों जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रिहाई की मांग की जा रही है पब्लिक के द्वारा। इनका कहना है कि जिस संत ने लोगों को नशे से छुड़वाया है उनको झूठे आरोपों से समाज से दूर किया गया है। किस तरीके से ये बता रहे हैं और आपकी क्या राय इनके लिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।